नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो किसान भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 जनवरी 2021 के फर्रुखाबाद मंडी, सातनपुर फर्रुखाबाद मंडी से आज आलू का जो भाव है वो क्या देखने को मिला है। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले सभी किसान भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएँ। नया साल सभी किसान भाइयों को मुबारक हो, उन्हें और उनकी फैमिली को। तो चलिए किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी सारी अपडेट के साथ बताऊँगा। किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि किसान भाई जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे 1 जनवरी 2021 को फर्रुखाबाद मंडी का जो माहौल है वो कैसा देखने को मिला, सातनपुर फर्रुखाबाद मंडी में जो आलू का माहौल है वो कैसा देखने को मिला। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं आवक की। आज आवक, जिसे हम आमदनी बोलते हैं, आमदनी कितनी देखने को मिली है किसान भाइयों? 100 से लेकर 125 मोटर तक के बीच में जो आमदनी है वो सातनपुर फर्रुखाबाद मंडी में आज देखने को मिली है। और किसान भाई, मैं आपको बता दूं, सातनपुर फर्रुखाबाद मंडी में जो आलू है वो पैकेट के हिसाब से बिकता है, वहाँ पर क्विंटल के हिसाब से नहीं बिकता है। आलू केवल पैकेट के हिसाब से बिकता है और एक पैकेट 52, 53, 54, 53 किलो का 50 किलो से लेकर होता है। वहीं पर किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, एक जो रेट है, जो न्यूनतम भाव है किसान भाइयों, वो 500 रुपये से ऊपर तक का लगा हुआ है। वहीं पर किसान साथियों, सबसे हाईएस्ट जो बोली है फर्रुखाबाद मंडी में वो 551 रुपये प्रत्येक पैकेट के हिसाब से जो बोली है वो लग चुकी है। तो किसान भाइयों, ये बड़ी अपडेट है, 500 रुपये से नीचे आलू नहीं बिका है आज, 500 रुपये से ऊपर आलू बिका है किसान भाइयों। जो सबसे अधिकतम आलू है वो 551 रुपये प्रत्येक पैकेट के हिसाब से बिका हुआ है।